जो आपको प्यार में धोखा दे चुका है उस इंसान को आप कैसे तड़पा सकते हैं, कैसे जला सकते हैं, आज करेंगे इसी बारे में बात। वीडियो शुरू करते हैं। जब आपको कोई भी इंसान धोखा देता है ना, तो आपका दिल जल जाता है, आप नफरत से भर जाते हैं उस इंसान के लिए, क्योंकि आप उसे बहुत प्यार करते थे और आप उसे तड़पाना चाहते हैं। और ये जो फील है ना, वो हर एक उस इंसान के मन में जरूर आता है जो धोखा खा चुका है किसी से। सो आज आपको यही बताने वाली हूँ कि धोखा देने वाले इंसान को आप कैसे तड़पा सकते हैं। देखिए माय फ्रेंड, अगर आपके साथ में भी ऐसा हो चुका है, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, तो उसके पीछे कोई रीजन जरूर होगा। उसने धोखा क्यों दिया पहले तो ये सोचिए। इसलिए दिया क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई आपसे सुंदर दिखने वाला इंसान आ गया था, या फिर उसने धोखा दिया क्योंकि उसकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा पैसे वाला इंसान आ गया था, उसको पैसा चाहिए था, या फिर उसने धोखा दिया क्योंकि उसका मन आपसे भर गया था, क्या रीज़न था, या फिर धोखा दिया कि उसको आपके अंदर अब कमियां दिखने लगी थी, उसका दिल हटने लगा था। देयर मस्ट बी अ रीज़न ना कि उसने धोखा किस वजह से दिया, और अपनी कमी की वजह से दिया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो पहले आपको रीज़न जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी इंसान को उसी चीज़ को दिखाकर तड़पा सकते हैं जिसकी चाहत उसके मन में है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ उस चीज़ को। मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है जो बहुत पैसों की लालची है, आपके साथ में वो अच्छे से टाइम स्पेंड किया, उसने बहुत पैसा भी खर्च करवाया, उसके बाद उसको प्रपोज कर दिया एक ऐसे लड़के ने जिस पर आपसे ज़्यादा पैसा है, उसने पैसे के चक्कर में आपको चीट कर दिया, डम कर दिया। तो ऐसे में अगर आपको उसको तड़पाना है, उसको जलाना है, उसको उसकी हैसियत दिखानी है ना, तो आपको अपने खुद को, अपने आप को ना स्टैंड करना पड़ेगा, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि उसको ये समझ में आए कि जिसके लिए छोड़ दिया वो कहाँ पहुँच गया। आप यही काम करके उसको जला सकते हैं, बदला ले सकते हैं, तड़पा सकते हैं, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में पैसा बहुत मैटर करता है। अगर उसको ये पता चला कि आपके पास बहुत पैसा है, आज नहीं तो कल है, तो वो हमेशा रिग्रेट करेगी आपको छोड़ने के लिए। या फिर मान लीजिए आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी, जो आपको छोड़ चुका है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आ गई थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और आप उतने खूबसूरत नहीं हैं, या फिर आप इतने खूबसूरत नहीं हैं, हैंडसम नहीं हैं, उसने छोड़ दिया लुक्स की वजह से। तो ऐसे में कैसे आप उसको दिखाओगे कि उसने गलती की? वो आप कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, अगेन एक तो सक्सेस अचीव करके, पैसा हर किसी को अट्रैक्ट करता है पैसा पाकर, और साथ ही साथ अपने ऊपर मेहनत करके, बाय लुक्स इवन। आप लोगों का या अक्सर लोगों का मानना होता है कि जैसे हमारे फीचर्स हैं, जैसे हम दिखते हैं, हम वैसे ही दिखते हैं ना, हम इसे बदल नहीं सकते। आई नो कि आप अपने लुक्स को, अपने फीचर्स को बदल नहीं सकते, बट आप अपना रहन सहन, अपने रहने का तरीका, अपना लाइफस्टाइल बदल कर, ये सब चीज़ें थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, फोकस करके अपने लुक्स को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हैंडसम दिख सकते हैं। अब देखिए, एक बहुत सी छोटी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जिस पर आप शायद कभी ध्यान नहीं देते, कि जो भी रिच लोग हैं ना, ज़्यादातर केसेस में उनके बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं। तो क्या भगवान या ऊपर वाला वो है जो रिच लोगों को खूबसूरत बच्चे देता है और गरीब को खूबसूरत नहीं देता? नहीं, फ़र्क हम दोनों में इतना होता है कि जो बहुत रिच फैमिली से बच्चे होते हैं उनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होता है, उनको ये पता होता है कि अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखना है, क्या पहनना है जो हम पर अच्छा लगे, कैसे बिहेव करना है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, प्रेजेंट अपने आप को कैसे किया जाता है, इन छोटी छोटी चीज़ों की उनको नॉलेज होती है, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास का ऐसा माहौल देखा है, तो उन्हें बचपन से ही ये चीज़ें डेवलप्ड हो जाती हैं। हम लोग कौन है? हम हैं एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से लोग। हमें ये पता ही नहीं है कि हमें कैसे कपड़े अच्छे लगेंगे, हमें कैसे रहना है, कैसे मैनेज करना है, बॉडी लैंग्वेज भी कोई चीज़ होती है, हमें नहीं पता, हमने आसपास नहीं देखी, तो वो चीज़ें हमारे अंदर नहीं हैं, हम सीखते भी नहीं हैं, इसलिए हम खूबसूरत भी नहीं दिखते। तो अपने ऊपर मेहनत कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने आप को रखना सीखिए। ये अगर आप सीख जाए ना, तो यकीन मानिए आप अपने लुक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, आप बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल दिख सकते हैं। तो अगर आपका पार्टनर आपको किसी खूबसूरत इंसान के चक्कर में चीट कर चुका है,
तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने लुक्स पर ध्यान दें, अपने आप को इम्प्रूव करें, ताकि आप भी खूबसूरत लगें और वो जब देखे ना तो वो भी तड़प जाए कि यार किसको छोड़ दिया मैंने और क्यों छोड़ दिया। इसके बाद एक और जो लास्ट में चीज़ सबको ध्यान रखनी चाहिए कि होता क्या है, जब कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको बहुत गंदा बोलते हैं, उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं, चार लोगों के आगे उसकी इंसल्ट करते हैं, ये सोच कर कि वो यही डिज़र्व करता है। हम बहुत गंदा बिहेव करते हैं क्योंकि हमारी अंतरात्मा जली होती है, भुन गई होती है, हम बहुत दुखी होते हैं, तो उस दुख की वजह से हम उसकी बहुत इंसल्ट करते हैं। इसमें एक्चुअल में ना हम उसका नुकसान नहीं करते, हम अपना करते हैं। ये चीज़ आपको नहीं समझ में आती। देखो, अगर कोई चला गया, मान लीजिए आपको छोड़ के, चीट कर दिया, अब आपने उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दी बदला लेने के लिए, तो होगा क्या, जो वो छोड़ के गया था अपने स्वार्थ के वजह से या किसी ना किसी और रीज़न के वजह से, उसको ये फील होगा कि अच्छा किया छोड़ के, ये तो इतना गंदा आदमी है, गंदी औरत है, इतना घटिया है कि मेरे बारे में बेइज्जती कर रहा है। जब वो छोड़ के गया था ना, तो आपके बारे में ज़्यादा नेगेटिव नहीं था, ज़्यादा गंदा नहीं सोचता था, लेकिन आपके इस बुरे बिहेवियर ने उसके दिमाग को आपके लिए नेगेटिव कर दिया। इससे क्या होगा, फ्यूचर में वो अपने नए पार्टनर के साथ में दुखी भी होगा, परेशान भी होगा, तो भी उसके मन में कभी ये नहीं आएगा कि उसने आपको छोड़ के गलती कर दी। उसको हमेशा यही लगेगा कि ठीक है, वो तो था ही गंदा इंसान, ये तो गंदा है, वो भी गंदा था, वो आपके बारे में नेगेटिव सोचेगा। बट अगर आप उसके साथ में मिसबिहेव नहीं करते हो, वो अगर आपको छोड़ता भी है तो आप उसको जाने देते हो, उसको यू नो चार लोगों में उसकी बेइज्जती ना करो, कुछ गंदा ना बोलो, इंसल्ट ना करो, तो उस टाइम पर आपको कितना भी दुख क्यों ना हो रहा हो और वो कितना भी खुश क्यों ना हो, कुछ वक्त बाद उसको उसकी गलती का एहसास ज़रूर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो है इंसान ही और आपके साथ में जुड़ा रहा था, वो आपको जानता था और कभी तो आपके बारे में अच्छा सोचता होगा ना, इसलिए था। जब वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, किसी और इंसान से जुड़ेगा, तो आई एम श्योर वहाँ पर उसको कुछ तो कमी महसूस होगी और तब वो रिग्रेट करेगा कि मैंने क्यों छोड़ दिया इसको, काश कि मैंने नहीं छोड़ा होता, वो इतना अच्छा इंसान था कि उसने मुझसे कभी उल्टा भी नहीं बोला, मिसबिहेव नहीं किया। जो आपकी ये अच्छाई है ना, उसको बाद में बहुत तड़पाएगी उसके डिसीज़न पर। इस चीज़ पर आप लोग नहीं ध्यान देते, बट दीजिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। लास्ट में बस एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि सक्सेस इस दुनिया में हर एक इंसान को अच्छी लगती है, उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। आपको कभी भी कोई भी अगर चीट करता है, छोड़कर जाता है, गंदा बोलता है, कुछ भी करता है, अपना गुस्सा, अपनी नफरत, अपनी फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ अपने फ्यूचर पर लगा दीजिए, अपने ऊपर लगा दीजिए। किसी से कुछ मत कहिए, किसी को कोई औकात दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को गंदा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अपने करियर में जुट जाइए। उस धोखे के बाद देखिए वो धोखा आपको कहाँ लेकर जाएगा। जो एनर्जी है ना आपके अंदर, जो गुस्से की एनर्जी है, उसको अपना फोकस बढ़ाइए, अपने स्टडी पर लगाइए, जॉब पर लगाइए। जब ज़िंदगी में वो जो फोकस है आपको आगे ले जाएगा ना, हर एक इंसान जो आपसे चिढ़ता था, जिसने आपको छोड़ा था, जिसने कभी गंदा बोला था, वो हर एक इंसान रिग्रेट करेगा और सबके सब आपसे जुड़ना चाहेंगे। ये सही तरीके से किससे बदला लेना होता है, ऐसे तड़पाया जाता है किसी को, ऐसे गलती का एहसास करवाया जाता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, किसी ने आपको धोखा दिया, वो तो धोखा देकर चला गया, आप उसके पीछे बावरे हो जाते हैं, रोना पीटना, अपने दिल में यू नो नेगेटिविटी लेकर आना, कुछ काम नहीं करना, रूम में बंद कर लेना और बस ज़िंदगी ऐसे ही निकाल देना उसको गालियाँ देते हुए। इससे आप उसका नुकसान नहीं कर रहे ना, अपना कर रहे हैं। तो इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए। होप मैं आपको समझा पाई होंगी कि कैसे सही तरीके से बदला लिया जाता है, कैसे आप अपने पार्टनर को तड़पा सकते हो जिसने आपको डिच किया है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइफ में कोई उलझन चल रही है, परेशानी चल रही है, मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी कॉल बुक करने में मेरे साथ, जो कि पेड होगी। अब विदा लेती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।